हेलो दोस्तों, मैं राहुल, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिंह पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर टू मेजर हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो हम लोग ना आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, बेटर तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग लिखें और लिखने जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा और ऐसा लगेगा ना बोला हाँ स्टूडेंट जो है इसको अपने से बना करके लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसको कि अकबर की धार्मिक नीति क्या है। और अगर आपको मेजर हिस्ट्री का और सारे वीडियोस चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर भी बना दिया गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप लोग लिंक पर क्लिक करके वहां से आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति, आखिर अकबर की धार्मिक नीति क्या है। क्वेश्चन जो बोला है धार्मिक नीति के बारे में, तो धार्मिक नीति हम कहते हैं किसको है, तो धार्मिक नीति का मतलब है ना दोस्तों, जैसे देखिए धर्म, जैसे किसी राजा को, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है, अगर आपको जो है अपने धर्म में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपने धर्म का बदलाव करता है ना। तो अकबर भी जो था ना क्या किया था कि अपने मुगल साम्राज्य का, ठीक है, मुगल साम्राज्य को की स्थापना के लिए, मुगल साम्राज्य के स्थापना के लिए और इसके उचित शासन प्रबंधन के लिए क्या किया था, वो धार्मिक नीति को अपनाया था। क्या किया था? धार्मिक नीति को अपनाया था। धार्मिक नीति कहने का मतलब क्या है कि वो क्या है कि धर्म के प्रति लगाव रखा था, वो सभी धर्म के प्रति लगाव रखा था, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो क्या किया था, सभी धर्म के प्रति लगाव रखा था। और लगाव इसलिए रखा था ना ताकि उसको आगे जो है ना उसको साम्राज्य चलाने में, मुगल साम्राज्य का स्थापना करने में जो है पूरे भारत में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसलिए जो है वो सबसे जो है ना एक बढ़िया संबंध बना के रखता है, चाहे वो राजपूत शासक हो चाहे कोई भी शासक हो। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक राजपूत शासकों का मेरा साथ नहीं मिलेगा ना, मतलब जब तक मेरा साथ राजपूत शासक नहीं देंगे तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करता था कि राजपूतों के साथ भी जो ना वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और उन लोगों के साथ जो ना बढ़िया संबंध दर्शाना शुरू किया ताकि वो मुगल साम्राज्य का स्थापना कर सके। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से जानते हैं। आखिर क्वेश्चन आपको पूछा है कि अकबर की धार्मिक नीति, तो थोड़ा सा अकबर के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना कि अकबर आखिर था कौन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देगा नाउन, नाउन क्या है। ठीक है, आप नाउन के बारे में जानने कीजिएगा, संज्ञा के बारे में जानने कीजिएगा, तो उसके बारे में कहां से बता दीजिएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर आखिर कौन था, अकबर का जब नाम आया यहाँ पे तो अकबर आखिर कौन था। तो देखिए, अगर अकबर का परिचय जानने का प्रयास करें, तो अकबर जो था ना, अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, और वह जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन? अकबर। अकबर क्या था? मुगल वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए आपको बताया गया है। देखिए, अकबर का परिचय के बारे में अगर जानना चाहे, अकबर जिनका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन? अकबर। अकबर क्या था? मुगल वंश का तीसरा शासक था। आपको याद कर लेना यहीं पे, ठीक है, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अकबर का जन्म, अगर बात करें अकबर का जन्म का, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। जिनके पिता का नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। अब नसीरुद्दीन अगर नहीं याद रखते ना, तो अब याद रखिएगा हुमायूं। नाम क्या था उसके पिताजी का? हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। ठीक है, अगर बात करें अकबर के नामों की, ठीक है, तो अकबर को जो ना अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे अकबर महान, यहाँ पे, ठीक है, फिर शाहजहां अकबर के नाम से बुलाया जाता था, तथा महाबली शाहजहां के नाम से भी उसको बुलाया जाता था। ठीक है, किसको? अकबर को। किसको? अकबर को। ठीक है, अब देखिए अगर आगे बात करें तो अकबर एक ऐसा सम्राट रहा जिससे उसके धार्मिक नीति के कारण हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों से खूब प्यार मिला। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें उसके धार्मिक नीति के बारे में, किसके? अकबर के धार्मिक नीति के बारे में। तो क्या हुआ कि अकबर एक ऐसा राजा था, ऐसा सम्राट था ना, जिसके धार्मिक नीति के कारण, जब वो धार्मिक नीति में बदलाव किया था तो उसके धार्मिक नीति के कारण क्या हुआ, उसको सभी धर्म के लोगों से उचित प्यार मिला। जैसा उसको प्यार चाहिए था, जैसा उसको प्रेम चाहिए था, वैसा वो प्रेम उसको मिला। किसको? अकबर को। ठीक है, अब आखिर उसको प्यार क्यों मिला? क्योंकि जो है ना, क्योंकि
वे हर धर्म के प्रति क्या थे, उदार भाव के थे। उदार भाव का मतलब क्या है, सब धर्म के प्रति वो प्रेम रखते थे। कौन, अकबर, ठीक है। अब देखिए, इनका प्रेम रखने का पीछे भी कुछ कारण था। कारण क्या था आगे हम लोग जानेंगे। कारण ये था ना, जैसे मान लीजिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कारण ये था ना क्योंकि वो भी क्या चाह रहा था कि पूरे भारत में क्या हो, मुगल शासन का वर्चस्व हो जाए, ठीक है। मुगल शासन बनाने के लिए यहाँ पे वो क्या कर रहा था, धार्मिक नीति को अपना रहा था ताकि लोगों को अपने कंट्रोल में वो कर सके, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ कि अनपढ़ होते हुए भी अकबर ने हमेशा बुद्धिजीवियों एवं अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों को इज्जत और सम्मान दिया। मतलब बताया जा रहा है कि वो अनपढ़ थे। कौन थे अनपढ़, कौन थे, अकबर। अकबर अनपढ़ था, ठीक है। अनपढ़ होने के साथ साथ वो सारे वहां के जितने भी कलाकार थे और जितने भी बुद्धिजीवी थे उसको क्या किया, वो इज्जत दिया था, सम्मान, इज्जत दिया, सम्मान भी दिया था और इज्जत भी दिया, जिसके कारण वहां के लोग उसको प्यार करने लगे थे। और इसी प्यार और सम्मान के चलते अकबर ने अपने दरबार में बुद्धिजीवियों और कलाकारों को स्थान दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या था, यही प्यार के चलते जो है वो अकबर क्या किया था, अपने दरबार में जो है ना बुद्धिजीवियों और कलाकारों को स्थान दिया था, जिसको नवरत्न के नाम से जाना जाता है, अकबर के नवरत्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक आपका परिचय था कि अकबर आखिर है कौन, ये आपको परिचय में लिख देना कि अकबर का, अकबर कौन था, ठीक है। अब जानते हैं इसके धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति तो आपको पहले बता दिए, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके धार्मिक नीति आखिर है क्या। अब दोस्तों आपको यहां से अगला पॉइंट बनाना है कि अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, आखिर अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। देखिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अकबर की शासनकाल में अकबर की धार्मिक नीति का बहुत बड़ा महत्व है। अकबर की शासनकाल में अगर देखें तो अकबर का धार्मिक नीति का जो महत्व है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। अकबर के शासनकाल में उसकी धार्मिक नीति उसके प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य केंद्र थी। अगर उसके प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, किसके, अकबर की, तो अकबर के शासनकाल में जो था ना ये जो धार्मिक नीति था उसको प्रशासन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। किसके, अकबर के प्रशासन को बनाने में। प्रारंभ में क्या हुआ कि प्रारंभ में अकबर एक कट्टर मुसलमान था। बात करें प्रारंभ का, शुरू का, ठीक है। तो शुरू में जो था ना अकबर एक कट्टर मुसलमान, कट्टर मुसलमान तो जानते हैं ना, हाँ, वो कुछ भी हो जाए लेकिन मुसलमान से हटेगा नहीं, मुसलमान के धर्म को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों के कारण उनके कट्टर धर्मों, धार्मिक विचारों में परिवर्तन होते ही चला गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसे भी कारण होते चले गए, ठीक है, जिसके कारण के कारण क्या हुआ, वो अपने धर्मों में बदलाव भी करने लगे ताकि तथा दूसरे धर्मों की तरफ वो अग्रसर होने लगे। कौन, अकबर, कौन होने लगे, अकबर, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपका ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे ना कि क्या कारण था अकबर का धर्म में बदलाव होने का, ठीक है। वो क्यों अकबर अपने धार्मिक नीति को बदलाव किया था, उसमें बदलाव किया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट बनाएंगे हम लोग, अकबर की धार्मिक नीति में बदलाव होने के कारण, कि अकबर के धार्मिक नीति जो था उसमें बदलाव होने का क्या क्या कारण थे। तो उसके बदलाव होने का निम्नलिखित कारण थे, क्या थे, निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित कारण आपके आपका दिया हुआ। पहला पॉइंट बनाएंगे अनुवांशिक प्रभाव। अब देखिए अनुवांशिक प्रभाव कहने का मतलब क्या है, अनुवांशिक, जैसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है, तो वैसे उसको गुण मिला था किससे, अपनी माता से। अपनी माता से कैसे मिला, तो देखिए बताया गया है कि अकबर के पिता हुमायूं और उसके दादाजी बाबर इस्लामी अनुयायी थे। मतलब अगर उसके बाद उसके पिताजी की बात करें और उसके दादाजी की बात करें, ठीक है, तो वो क्या थे, इस्लामी अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन अकबर की माँ जो थी हमीदा बानू, जो हुमायूं की पत्नी थी, वो क्या थी, इस्लाम धर्म के सिया समुदाय, इस्लाम धर्म के सिया समुदाय से संबंध रखती थी, ठीक है। जो बहुत ही दयालु विचारों वाली महिला थी, जो क्या थी, बहुत ही दयालु थी। दयालु मतलब समझ रहे ना, बहुत ज्यादा दयालु थी, सबके प्रति क्या रहती थी, वो उदार रहती थी। कौन, उनकी, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि अकबर को यह जो गुण है ना अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुआ। अनुवांशिक रूप से कहने का मतलब है उनकी माँ से उनको प्राप्त हुआ। ये पहला था उनका कि वो धर्म में आखिर परिवर्तन क्यों किए थे, अपने धार्मिक नीति में परिवर्तन क्यों किए थे, ठीक है। तो पहला आपका रीजन क्या हो गया, अनुवांशिक प्रभाव, जो किससे मिला था उसकी, उसको अपने माँ से मिला था, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट में हम लोग बनाएंगे, पॉइंट नंबर टू में बनाएंगे शिक्षकों का प्रभाव, उसके जो लाइफ था, उसका जो जीवन था, ठीक है, जिसमें जो धार्मिक परिवर्तन किया था उसमें वो शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान था। योगदान कैसे था, तो कहा जाता है कि अकबर को धार्मिक नीति में बदलाव करने का अहम भूमिका जो था, अकबर को शिक्षा देने वाले शिक्षकों का रहा था। मतलब अकबर का जो धार्मिक नीति था उसमें बदलाव करने का सबसे बड़ा योगदान किसका था, उसके शिक्षकों का था। शिक्षकों का कैसे था, तो उनके जो शिक्षक थे जो थे ना, क्योंकि उनके जो शिक्षक थे अकबर के शिक्षा देने वाले सिया और सुन्नी दोनों समुदाय के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त हुआ था। क्योंकि अकबर की बात करेंगे हम लोग, अकबर के जो शिक्षक थे ना वो दोनों समुदाय के थे, सिया और सुन्नी दोनों समुदाय के थे, ठीक है। और दोनों के दोनों जो क्या थे, उदार भावना के थे। उदार भावना का मतलब समझ रहे ना, एकदम दयालु किस्म के व्यक्ति थे, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो, ठीक है। और इनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अकबर के विचारों में भी काफी परिवर्तन हुआ, ठीक है। और जब ये इनसे शिक्षा प्राप्त किए, अकबर इनसे जब शिक्षा प्राप्त किए, तो इनके भी विचारों में जो था ना उदार की भावना जो ना पनपने लगी। इनके विचारों में, अकबर के विचारों में भी जो था ना उदार की भावना पनपने लगी, मतलब दयालुता की भावना पनपने लगी। धीरे धीरे ये क्या हुआ, दूसरे धर्मों के प्रति भी उदार होते गया। कौन, अकबर।
अब इसी के साथ पॉइंट नंबर 33 में बनाएंगे हम लोग भक्ति आंदोलन। क्या बनाएंगे? भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन में क्या लिखना है? देखिए भक्ति आंदोलन से क्या हुआ था, तो भक्ति आंदोलन तीसरा पॉइंट में बनाएंगे हम लोग। देखिए हुआ क्या था कि अकबर की धार्मिक नीति अपनाने में भक्ति आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा था। अकबर का जो धार्मिक नीति अपनाने का कारण था उसमें भक्ति आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। योगदान कैसे रहा था? तो क्योंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी धर्म के लोग थे, अगर बात करें भक्ति आंदोलन का, तो भक्ति आंदोलन में जो है ना बहुत सारे धर्म के विद्वान जुड़े हुए थे, ठीक है। और जब विद्वानों ने अपने अपने धर्मों की बुराइयों का शुरू किया, ठीक है, बुराई करना शुरू किया, उसकी अच्छाइयों को बताना शुरू किया, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, धर्म की कट्टरता को छोड़कर जो था ना, अब जो है उसके बाद जो था अकबर क्या किया, जब जब यहाँ ये बात अकबर तक भी आई, ठीक है, तो अकबर जो था ना अपने धर्म की कट्टरता को छोड़कर अपनी धार्मिक नीति को बनाने लगा, ठीक है, अपनी धार्मिक नीति को परिवर्तन करने लगा। कौन? अकबर। क्योंकि भक्ति आंदोलन में ना बहुत सारे समुदाय के लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे धर्म के लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, जो अपने धर्मों के जो है ना बुराइयों को बता रहे थे कि क्या क्या हमारे धर्म में बुराइयां हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो अगर बात करें अकबर के शासनकाल का, ठीक है, अकबर के शासनकाल के जो मौलवी थे, ठीक है, और मुल्ले जो थे, ठीक है, वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते थे, ठीक है, और आपस में तलवार निकालने लगते थे, तो ये उसको खराब लगता था। किसको? अकबर को। अब देखिए अगला पॉइंट बनाएंगे राजपूतों का प्रभाव। पॉइंट फोर में क्या बनाएंगे? राजपूतों का प्रभाव। और राजपूतों का प्रभाव कैसे था, तो आपको हम शॉर्ट सॉरी में बताए थे कि राजपूतों का प्रभाव इस प्रकार से था ना, क्योंकि अकबर जानता था कि अगर मुझे मुगल शासन का भारत में लाना है, ठीक है, मुगल शासन का वर्चस्व बढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मदद किसका चाहिए? राजपूतों का चाहिए, ठीक है, बिना राजपूतों के मदद का वो कुछ कर सकता नहीं था। कौन? अकबर, ठीक है। इसलिए वो राजपूतों के साथ जो था ना वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। वही इसमें लिखा हुआ कि शासक बनने के पश्चात अकबर राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने लगा। वो क्या क्या शासक बनने के बाद राजपूतों के साथ जो है ना संबंध स्थापित करने लगा, ठीक है, और उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह करना प्रारंभ किया, जिसके बाद उसने राजपूतों को अपने दरबार में जो ना उच्च पद जो है ना प्रदान किया, क्योंकि वह हमेशा राजपूतों के संघर्ष में रहा था, इसलिए उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई। देखिए हुआ क्या था कि वहां पे जो था ना वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया था, राजपूत के राजकुमारियों से भी विवाह करना प्रारंभ कर दिया था। कौन कर दिया था? अकबर, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पे जो उसके राजपूत के शासक थे, ठीक है, उसको भी जो है ना उच्च पद जो है ना प्रदान किया। उच्च पद मतलब जैसे मैनेजर होता है हम लोग के यहाँ पे, ठीक है, तो वैसे वहां पे जो है ना मंत्री के पद पर उसको बैठाना चालू कर दिया। और वो धीरे धीरे क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता कहने का मतलब वो धर्म के प्रति उदार होते चला गया। कौन? अकबर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट नंबर फाइव में जाने के दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए लिखा हुआ कि मौलवियों का गंदा विचारधारा। वहां पे जो मौलवी थे, ठीक है, कहां के अकबर के शासनकाल के जो मौलवी थे, उन लोगों का विचारधारा जो था बिल्कुल गंदा था। गंदा कैसे था, देखिए लिखा हुआ अकबर के शासनकाल में तत्कालीन मौलवी अत्यंत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा झगड़ते रहते थे। अगर बात करें अकबर के शासनकाल में, ठीक है, तो वहां के जो मौलवी थे ना वो लोग क्या करते रहते थे, आपस में झगड़ते रहते थे। छोटे छोटे बात को लेकर के आपस में लोग झगड़ते रहते थे, ठीक है। उनमें योग्य एवं महान व्यक्तियों के समान धैर्य और सहनशीलता बिल्कुल नहीं थी। अगर उसके बात करें तो लोगों के अंदर जो था ना वो सहनशीलता नहीं था, योग्यता नहीं था जो दूसरे शासकों में रहना चाहिए था, ठीक है। ये आराम से मतलब कुछ भी हो गया बात बात पर लोग लड़ जाते थे, ठीक है। वे बात बात पर एक दूसरे को काफिर कहने लगते थे तथा तलवार निकाल लेते थे। वो बात बात पर जो ना वे दोनों जो थे बात बात पर क्या करते थे, जैसे आपस में लड़ गए, ठीक है, आपस में लड़ गए तो एक दूसरे को लोग काफिर कहने लगते थे। क्या कहने लगते थे? काफिर, ठीक है। और काफिर कहने के साथ साथ जो है ना उसको जो ना वहां पे तलवार भी निकाल लेते थे, वो लड़ाई करने के लिए तलवार भी निकाल लेते थे, ठीक है। इसलिए अकबर इन लोगों से तंग आकर के अपने धार्मिक नीति में बदलाव किया। इसलिए जो था अकबर को ये सब चीज ठीक लगा नहीं और वो धीरे धीरे अपने धार्मिक नीति को बदलना चालू कर दिया कि मेरे धर्म के लोग जो है इतने गंदे विचारधारा के हैं, ठीक है, कि आपस में लड़के मरने का प्रयास कर लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। इसलिए वो जो ना इसको धीरे धीरे जो ना वो धर्म के प्रति घिन होते गया। किसके धर्म के प्रति? अपने धर्म के प्रति। अब देखिए इसके आगे जो है पॉइंट नंबर सिक्स बनाएंगे राजनीतिक कारण कि आखिर अकबर के धार्मिक परिवर्तन में राजनीतिक कारण क्या था, क्या राजनीतिक कारण था उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की इतनी नीति को अपनाने का सबसे बड़ा कारण उसका राजनीतिक कारण था। देखिए राजनीतिक कारण क्या था, अकबर जो था ना अपने मतलब उसका जो नीति अपनाया था, धार्मिक नीति अपनाया था, उसका सबसे बड़ा कारण उसका राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था, वही था जो आपको बताया गया था, क्योंकि अकबर जो था ना वो चाह रहा था, अकबर जो था पूरे भारत में मुगल वंश का स्थायी शासन स्थापना करना चाहता था। स्थायी शासन का मतलब क्या है कि वहां पे जो ना वो बस अपना वर्चस्व चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ पे जो भारत में जो है सिर्फ मुगल शासन का वर्चस्व रहे, ठीक है। और इसलिए जो है ना और यह जानता था
उसके साथ साथ यह भी जानता था कि इसके इस उद्देश्य को पूरा करने में उसे राजपूतों का सहयोग चाहिए, और वो जानता था कि ये उद्देश्य को पूरा करने में राजपूत शासक का उसको सहयोग चाहिए। अगर राजपूतों का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कुछ कर पाएगा नहीं, और उन्हें तभी राजपूतों का साथ मिलेगा जब वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाएगा, ठीक है। और वो जो है उसको जो है तभी जो है राजपूतों का शासन मिलेगा, राजपूतों का साथ मिलेगा जब वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाएगा, सब धर्म के प्रति अग्रसर होगा, ठीक है। हिंदू धर्म के प्रति क्या होगा, वो उदार होगा, दयालु होगा, ठीक है। तभी उसको क्या क्या मिलेगा, राजपूतों का शासक मिलेगा, राजपूतों का साथ मिलेगा, ठीक है। अतः इसलिए जो था अकबर में, अकबर ने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था, ठीक है। यहां तक आपका खत्म हो गया, ठीक। अब एक पॉइंट और बचा हुआ दोस्तों, पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 में ही आपको एंडिंग करना है, ठीक है। और यहां तक जो आपको एंड करना है, मैं फिक्स आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये 10 नंबर का रहेगा ना तो आपको 8 नंबर जो ना फिक्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई काटने वाला नहीं है। देखिए अगर बात करें इबादत खाना, देखिए पॉइंट नंबर 7 में हम लोग बनाना है इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना का मतलब क्या है कि जिस समय अकबर जो था अपने शासन काल में क्या किया था, एक इबादत खाना का प्रचलन किया था, ठीक है, इबादत खाना का निर्माण किया था। इबादत खाना के कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे हमारे देश में जो है ना मीटिंग रूम होता है ना, जहां पे सारे नेता लोग आकर के जनता के दुखों के बारे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ के दुखों को देखते हैं कि क्या क्या दुख है इन लोगों को, ठीक है, ताकि उसके साथ साथ देश के प्रॉब्लम को भी समझते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अकबर के शासन काल में था इस उसी तरह जो था इस इबादत खाने में जो था ना, वहाँ के जो मंत्री लोग थे, अकबर के जो मंत्री लोग थे, वो क्या करते थे, जाकर के बातचीत करते थे, ठीक है, बातचीत करते थे, और सारे वहाँ के साम्राज्य के सारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते थे, ठीक है। और ये कहाँ बना था, फतेहपुर सिकरी में बना था, कहाँ बना था, फतेहपुर सिकरी में बना था। लेकिन वहाँ का एक बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात करें, तो प्रॉब्लम ये था ना कि उस समय जो था ना वहाँ पे धार्मिक विषय पर बातचीत करने का किसको हक था, बस मुसलमान लोगों को हक था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था कि मुसलमान धर्म के जो लोग हैं ना वही इस धर्म पे, मतलब वही जो है ना यहाँ के धार्मिक विषय पर बातचीत कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए बताया गया, इसमें केवल इस्लाम धर्म के लोगों को ही बातचीत करने का, इसमें जो है ना इस्लाम धर्म के लोग ही बातचीत करते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, 1578 ईस्वी में, कब 1578 ईस्वी में जो है ना इसको हर धर्म के लोगों के लिए खोल दिया, इसको हर धर्म के लोगों के लिए खोल दिया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि वहां के लोग जो है ना इसके प्रति उदार होते चले गए कि हाँ कि अब जो है ये बढ़िया से काम कर रहा है। और अकबर के इसी कदम ने लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लिया, और अकबर का यही जो कदम था उसको क्या किया, लोगों को आकर्षित करता चला गया, ठीक है। जिसके कारण अकबर को हर धर्म के लोगों के बारे में जानने को मिला। इसके बाद क्या हुआ कि अकबर के साथ जो है बहुत सारे धर्मों के लोग जुड़ने लगे, और जब जुड़ने लगे तो उसको जो ना हर धर्म के बारे में जानने को मिला, किसको, अकबर को, जिससे उसे हर धर्म की अच्छाइयों के विषय में भी जानकारी मिली। उसके साथ साथ उसको जो ना हर धर्म के अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जानकारी मिला था, किसको, अकबर को। और वो क्या किया, अतः इस प्रकार से जो ना वो अपने मन में जो ना अन्य धर्मों के प्रति रुचि और सहानुभूति जागृत हुआ। जिसके बाद क्या हुआ कि उसके मन में जो है, किसके मन में, अकबर के मन में जो था ना दूसरे धर्मों के प्रति भी क्या हुआ, सहानुभूति और रुचि हुआ, ठीक है। रुचि मतलब वो इंटरेस्ट लेने लगा दूसरे धर्मों में भी, ठीक है। और इसलिए जो था, इसलिए वो क्या किया, अपने धर्म में परिवर्तन किया, इसलिए उसको बोलते हैं धार्मिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धार्मिक परिवर्तन। और अकबर जो था अपने धार्मिक परिवर्तन किया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर जो था क्यों धार्मिक नीति को अपनाया था, ठीक है। अब बात आता है निष्कर्ष का, क्योंकि निष्कर्ष डालना नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब समझ लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष क्या होगा कि देखिए, अब आखिर अकबर जो था धार्मिक नीति क्यों अपनाया था, इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो निष्कर्ष यही हुआ ना कि उपरोक्त लिखे गए बातों में लोगों को यही समझ में आया, ठीक है, कि अकबर जो था ना भारत में क्या करना चाहता था, अपने शासन को मजबूत करना चाहता था, प्रबल करना चाहता था। इसलिए जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति भी क्या हुआ, अग्रसर होते गया, ठीक है। वो अग्रसर के साथ साथ वो दयालु होते गया, ठीक है, और सारे धर्मों को अपनाते गया, ताकि जो है ना उसको अपने साम्राज्य विस्तार में, ठीक है, अपने यहाँ भारत में साम्राज्य में, साम्राज्य स्थापना करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वही आपको डिस्कस में लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर और क्वेश्चन आप लोग को कोई चाहिए होगा, जैसे कोई और क्वेश्चन आपको, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो तो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अगर और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा सर कि ये क्वेश्चन मुझे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।